please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अधिकारियों के निलंबन के खिलाफ हुड्डा के कर्मचारियों ने धरना किया। संघ के सदस्य बुधवार को हुड्डा के सेक्टर 14 कार्यालय में एकत्र हुए। उनके विरोध का यह दूसरा दिन था। निलंबित अधिकारियों को अगर निलंबन नहीं हटाया गया तो वह कार्यालय दो में अनियमितताओं का पर्दाफाश करेंगे। ग्राम के बाद अब शहरों में भी बनेंगे 13 लाख घर, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 30.86 लाख मकानों को मंजूरी दे दी है। 2022 तक केंद्र सरकार का सभी के लिए आवास बनाने का योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। आवास मंत्री हरदीप सिंह के अनुसार 2022 तक सभी के लिए आवास की अपनी एक महत्वाकांक्षा योजना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के शुभारंभ के बाद सरकार ने 30.86 लाख मकानों को मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार बेचेगी 1000 वर्ग फुट से ज्यादा की अचल संपत्ति। हरियाणा सरकार ने 1000 गज से ज्यादा की सभी संपत्तियों को बेचने का फैसला किया है। ये सभी संपत्तियां नगर निगमों के अधीन होंगी। इसके अंदर दुकानें और घर शामिल हैं। नगर निगम इनमें से किराया नहीं ले पा रहा था, इसलिए सरकार ने इसे बेचने का फैसला लिया है। नवंबर के अंत में BCSP करेगी 7000 स्क्वायर फीट के दफ्तर कार्यालय को गुड़गांव में लॉन्च। यह गुड़गांव में इनका डायसिस का 6वां सहकारी स्थान होगा। इसके अलावा दिल्ली, बेंगलुरु और गुजरात में गिफ्ट सिटी में इनकी उपस्थिति है। 45 से 50 दिन के भीतर ये लाभ कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा कंपनी के MD का कहना है।